Hello everyone, welcome to my channel Blushing Beauty. How are you doing today? Guys, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित होंगे. गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अजीब सा है. वी कैन से कि आज मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो मैंने परचेज़ तो करी थी बहुत ज़्यादा दिल से, बट मुझे रिग्रेट हुआ भी दिल से. मतलब मैंने क्यों परचेज़ किया, मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, ये वाला रिग्रेट मुझे है. मतलब ऐसी कुछ लिपस्टिक्स मैंने परचेज़ की थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप वो परचेज़ ना करें. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइज, ये मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैंने वो प्रोडक्ट्स परचेस किए, यूज़ किए, उसके बाद मुझे पता चला कि बिल्कुल अच्छे नहीं है. तो बस मैं आपको वही लिपस्टिक के कुछ शेड्स और कुछ बताने वाली हूँ कि आप भी वो ना लीजिए. अगर लेना ही है तो अच्छे लीजिए, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही जगह कीजिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कीजिए. तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक के बाद एक अपनी लिपस्टिक का दिखाती जाती हूँ, कौन सी लिपस्टिक मैंने यूज़ की और क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की. आइए शुरू करते हैं गाइज. अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए या ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आइए शुरू करते हैं गाइस. अब मैं आपको दिखाऊंगी गाइस ये लिपस्टिक. ये लिपस्टिक है देखिए, एंड ये जो है कंपनी, इसकी कंपनी का नाम है परसोनी. मतलब ये शायद आप में से किसी ने सुनी हो, नहीं सुनी हो, आई डोंट नो, बट परसोनी मैटे. मतलब मुझसे किसी ने कहा था कि परसोनी की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, तो मैंने सोचा मार्केट में जाओ, चलो परसोनी की एक लिपस्टिक खरीद लेते हैं. एक दो खरीदने में क्या जाता है, ट्राई तो कर ही लेते हैं. तो मैं ये परसोनी की मैटे ले आई. एक्चुअली मैं लाई थी सोच के कि ब्राउन कलर की शेड, लेट मी ट्राई. मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्राउन कलर की शेड है देखिए. और ये बिल्कुल नहीं रखी है गाइस, मैंने यूज़ ही नहीं करी, मतलब एक दो बार यूज़ करी है. मैं इसका शेड दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना प्यारा शेड है इसका गाइस. का शेड बहुत प्यारा है, मतलब जब भी आप इसे लगाएंगे ना तो अच्छा लगेगा आपके ऊपर. बट प्रॉब्लम क्या होती है, आई एम सॉरी, प्रॉब्लम इस लिपस्टिक की ये है गाइस कि जब भी ये लिपस्टिक आप लगाएंगे तो आपके लिप्स में अजीब सा होने लगेगा. आपको लगेगा कि बस जस्ट जल्दी से छुड़ा दें ये लिपस्टिक. लगाने में कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसकी लिपस्टिक जब आप पुट ऑन करेंगे अपने लिप्स पे तब आपको लगेगा कि ये लिपस्टिक हमें छुड़ा देनी चाहिए. अजीब सी स्मेल आएगी और मतलब चिपका सा लगेगा अजीब से, जैसे कि कोई पेंट लगा दिया हो. तो वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी. तो मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह की लिपस्टिक पे इन्वेस्ट करें. माना ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, बट स्टिल अगर आप पैसे दे रहे हैं तो सही जगह ज़रूर दीजिएगा. दूसरी लिपस्टिक गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है सेवन सीज मैटे. ये सेवन सीज ब्रांड की है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड नहीं है शायद, बट इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. सेवन सीज के लिपस्टिक, आई शेडोज वगैरह आते हैं. मैंने ये अमेजोन से परचेस किया था, आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं. तो इसकी लिपस्टिक का दिखाती हूँ, ये एक न्यूड शेड है. सी पतली सी बुलेट है, ये भी नई रखी है मेरी. ये एक न्यूड शेड लिपस्टिक है, मैं आपको अपने हाथ पे दिखाती हूँ. ये भी न्यूड शेड के अंदर है. कलर मैंने जो भी परचेस किए गए कलर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं. जब मुझे लगता है कि मुझे अब ये वाली लिपस्टिक लगा लेनी चाहिए तो मैं लगा लेती हूँ. सी दिस कलर, एक्चुअली पिंक नहीं है, इसमें पिंक आ रहा है गाइस, बट ये पिंक नहीं है. देखिए ये इस कलर का नहीं है, ये थोड़ा इससे डार्क है, ब्राउनिश शेड का है, ये थोड़ा ब्राउन सा है, इसमें इस तरह का आ रहा है, बट ये ऐसा नहीं है गाइस. कलर बहुत अच्छा है, मैं पुट ऑन भी कर चुकी हूँ 3-4 बार, बट प्रॉब्लम इसके साथ भी सेम यही है. जब भी मैं पुट ऑन करती हूँ, अगर मुझे जैसे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अप्लाई करना है तो ठीक है, बट 1 घंटे से ज़्यादा, जैसे ऑफिस जा रही हूँ मैं 8 घंटे के लिए और ये अप्लाई कर लिया, तो मुझे ऐसा लगेगा 2 घंटे बाद कि बस मैं इसे छुड़ा दूँ. ऐसा लगता है कि बस अजीब सा पेंट टाइप का सा लगा हुआ है, या आपकी मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता है, नॉर्मल अच्छा सा लुक नहीं आता है. मतलब कहना चाहिए गाइस कि आपका खुद ही मन करेगा कि आप इसे छुड़ा दें, तो आप इसे क्यों खरीदें? जब आप इसे छुड़ा ही देंगे तो क्यों खरीदें? मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मैं ना ही रिकमेंड करूँगी. बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप इस ब्रांड को यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं गाइस. मैं आप सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दे रही हूँ. तीसरी लिपस्टिक गाइस ये है लिक्विड लिपस्टिक. मैंने अपनी ये जो वीडियोस बनाई हैं गाइस, उसमें मैंने ये वाली लिपस्टिक पुट ऑन भी करी है 1-2 बार, क्योंकि वीडियोस मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए बनाती हूँ. तो मैंने ये वाली पुट ऑन कर ली, उसके बाद छोड़ा दी, बिकॉज ख़रीद के रखी हुई है घर पे तो कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगी ना, मैं वेस्ट क्यों करूँगी. तो ये है कुड्जल ब्रांड की,
कुडजल ब्रांड की है और ये इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है गाइज, मतलब इस पर लिखा है ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है और इस पर लिखा है मैटे लुक है। गाइज ये मैटे लुक तो है, बिल्कुल मैटे लिपस्टिक है और लिक्विड लिपस्टिक है, बट बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। पता है क्या हुआ था, मेरे घर में शादी थी गाइज और मैंने ये तब फर्स्ट टाइम परचेस की थी। इसका कलर दिखाती हूँ पहले पे आपको, ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा कलर है गाइज, मतलब आई जस्ट लव दिस कलर, इतना ज़्यादा प्यारा कलर है गाइज। मतलब मैंने जब इसको देखा था ना तो मैं इस पर फिदा हो गई थी कि जस्ट मुझे ये वाली लिपस्टिक चाहिए। अब क्या हुआ गाइज, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरे घर में शादी थी मेरे कज़न की और मैंने मतलब अच्छे से कपड़े पहने थे, लहंगा वगैरह पहना था, और आई जस्ट पुट ऑन दिस लिपस्टिक क्योंकि मैंने सोचा ये नई लिपस्टिक है तो इसको ट्राई भी कर लूँगी और ये लिक्विड लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग भी है तो ये ज़्यादा टाइम तक चल भी जाएगी। गाइज बारात में ही मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरी लिप्स पे एक अलग टाइप की पपड़ी सी जम गई और मुझे बारात छोड़ के पहले वॉशरूम जाके लिपस्टिक चेंज करनी पड़ी। लिटरली इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि एक घंटे में इसने पपड़ी से जमा दी। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना लीजिए, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए आप लगा सकते हैं बट एक घंटे के अंदर आपकी लिप्स को ऐसा कर देगी, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस लिपस्टिक। तो अगर आपको कलर पसंद आया है तो आप ले सकते हैं, बट सिर्फ कलर के लिए आप इतना पैसा डालेंगे तो ये मुझे नहीं लगता है, तो ये वाली बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ गाइज एक लिपस्टिक, ये है, ये भी इसी ब्रांड की है, क्विडजल ब्रांड की। एक्चुअली दोनों ही मैंने एक साथ ही परचेस की थी, क्विडजल ब्रांड की है, इसमें लिखा भी हुआ है क्विडजल। अब इस लिपस्टिक का शेड देखिए, ये भी नई है गाइज, मेरी सारी लिपस्टिक नई की नई रखी है, मैंने यूज़ भी नहीं करी है, आई जस्ट रिग्रेट कि क्यों नहीं करी। ये देखिए अब मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये वाला शेड है, सी ये वाला शेड है गाइज, ये वाला शेड बहुत प्यारा है और डिफरेंट है, ब्राउन और रेडिश के अंदर है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रीमी टेक्सचर है, इनफैक्ट ये मैंने कई बार लगाया भी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको हटाने का मन करेगा। बट इसमें से अजीब सी स्मेल आती है, मतलब एक होता है प्लेजेंट स्मेल आती है, आपको अच्छा लगता है आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाया हुआ है, बट जब भी आप ये लगाएगी ना तो आपको खुद से अजीब सी स्मेल आएगी, जैसे यक ओ गॉड, तो मतलब अंदर से इच्छा नहीं होती गाइस, जब तक स्मेल आ रही है और लिप्स पे आप लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली नो, मतलब बिल्कुल भी नो। तो ये मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, ये भी बिल्कुल भी नहीं। एंड गाइस जो लास्ट मेरी दो लिपस्टिक हैं वो ये दोनों हैं, एक्चुअली मैंने परचेज़ नहीं करी थी, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट की थी दोनों लिपस्टिक, दोनों शेड्स, तो ये मैंने ले ली, मतलब गिफ्ट में मिला था तो ऑब्वियसली अब मैं लूँगी ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो ब्रांड लिखी हुई है, मेल पता नहीं क्या है, मेबेल लिखी हुई है, और इसका शेड देखिए, ये देखिए ये भी नई रखी है और शेड बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल अच्छा कलर है। मैं आपको यहाँ लगा के दिखाती हूँ ऊपर, ये देखिए पिंक सा शेड है, पिंक ये वाला देख रहे हो ऊपर, पिंक ये वाला। तो बट इन कंपनियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गाइस, इसमें स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी आती है, मतलब इनफैक्ट मतलब मैंने सिर्फ इसे ओपन ही किया और इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती, मतलब लिटरली बहुत डिसगस्टिंग स्मेल आ रही है। आई डोंट नो क्या इसमें मिला हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स तो इसमें लिखे नहीं हैं, बट स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार है गाइस। आप इसे 2 मिनट के लिए भी पुट ऑन नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये परचेस किया। सेम इस लिपस्टिक के साथ है गाइस, अब ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपना पर्सनल बताऊँ ये लिपस्टिक मुझे दिल से बहुत पसंद है। इसका शेड न्यूड है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये देखिए, ये ब्राउन टेक्सचर की है और ये डेली मतलब डेली पुट ऑन करने वाली लिपस्टिक है, ये वाला टेक्सचर है इसका, ये देखिए ये वाला गाइज, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, वही स्मेल आती है इसमें, अजीब सी स्मेल आती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती लगाने की। बट जब प्रोडक्ट पसंद होता है कोई तो हम DIY तो कर सकते हैं, तो समटाइम्स मैं इस लिपस्टिक को काउंटूरिंग स्टिक की तरह यूज़ कर लेती हूँ, काउंटूरिंग कर लेती हूँ इस लिपस्टिक से, यहाँ ऐसे लगा लेती हूँ इस तरह से, और देखिए कितनी अच्छी काउंटूरिंग हो जाती है इससे, मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो गाइज आप इस तरह अपने काउंटूरिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर ये आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई भी शेड अच्छा लगा हो, या आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।